नमस्कार दोस्तों, धूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक सरल भाषा में आप लोगों को कुछ बताने आई हूँ। यानी कंटेंट पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। क्या होता है ना कि जीवन में अक्सर हम लोग किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्षमा की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और किसी को क्षमा करना यानी माफ करना ये हमारे जीवन को बदलने लायक होता है। और इसमें जो शांति होती है ना, ये शांति शायद बहुत पैसे गाड़ी बाड़ी मिलने के बावजूद भी, घर बंगला मिलने के बावजूद भी, वो शांति हमें नहीं मिलती है जितनी शांति हमें मिलती है कि हमने किसको माफ किया है ना। तो आज के इस विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्षमा करने का ना एक जादू होता है, क्षमा का जादू। देखिए, मेरे चैनल में ना मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ, आप लोगों के जीवन में अगर कुछ रंग भर सकूँ तो इससे बड़ी बात क्या है। और ये कोई छोटी बात नहीं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमेशा एंटरटेनमेंट तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन लाइफ को अगर एंटरटेनमेंट बना लेते हैं कि ये मनोरंजन से भरा हुआ है, तो ये काफ़ी एक अलग ही मौज मस्ती लेकर आती है। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना, ये कपट से भरा हुआ है। देखिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मन बड़ा कपटी है, मतलब इतना कपट से भरा हुआ है ना कि दूसरों की क्षति करना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक कपटी इंसान कर सकता है। लेकिन क्या उस कपटी इंसान के अंदर दिल नहीं है? एकदम है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी, अगर वैसे भी कोई इंसान है जिनके मन में छल कपट भरा हुआ है लेकिन वो सुधरना चाहते हैं, और वैसे भी इंसान है जो लोग अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखा है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़े, या फिर इन कष्टों को छोड़कर, वो पुरानी यादों को छोड़कर जो उन्हें वेदना देती है, कष्ट देती है, उन कष्टों को छोड़कर वो जीवन को जिए कैसे। अगर ऐसे ही लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जीवन को जीना कैसे है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको राह पता नहीं है, जिनको दिशा पता नहीं है कि किस दिशा में जानी है। देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है कि मुझे दिशा नहीं पता है, मुझे दिशा पता है। तब कहेंगे जब दिशा का अर्थ समझेंगे कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए और किस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ज्यादा नुकसान हमें तब होता है जब हम किसी को मतलब मनन करते हुए माफ ना करने का प्रण ले बैठते हैं, जैसे कि नफरत पालकर, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचकर, या फिर किसी एक घटना को पकड़कर हम लोग अपने मन में उसके लिए एक घाव तैयार करते हैं, जिसमें नुकसान किसका है? हमारा है। और इसी नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा से क्षतिग्रस्त करते हैं, अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में हम लोग जाने देते हैं, है ना। तो आपकी ऊर्जा बर्बाद हुई है, समझ लीजिए, मानिए किसी से बहस हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, तो ऊर्जा क्या हुई? बर्बाद हो गई, है ना। आपके विचार दूषित हुए, ये भी एक बड़ा नुकसान आपको हुआ, ठीक है। आपकी खुशी चली गई, आपको रोने के लिए एक और बहाना मिल गया, आपको कंप्लेन करने के लिए एक और रीजन मिल गया, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ऐसी है कि मतलब सबसे बड़ी बात अगर हो जाती है तो वो होती है कि एक लकीर का बन जाना हमारे दिल में, है ना। देखिए, मैं बहुत ज्ञानी नहीं, लेकिन मैं कुछ पढ़ती हूँ, किसी से जानती हूँ, किसी ज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में अगर आती हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरी ये मतलब लालच कभी ख़त्म नहीं होगी कि किसी से मैं कुछ अच्छी चीज़ें जान सकूँ और आप लोगों के पास आकर तुरंत बता सकूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अगर बदलती है तो आप लोगों की भी बदलेगी, आप लोगों की भी ज़िंदगी में एक रोशनी ज़रूर आएगी, है ना। तो देखिए, मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप जिस आदमी को आपने सोचा कि जिस आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, उससे बड़ा नुकसान तो आप खुद ही कर बैठे अपना,
है ना। तो ऐसी गहरी लकीरों को मिटाने के लिए प्रार्थना कीजिए मेडिटेशन में। देखिए क्षमा में ना एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि ये शक्ति आपको अंदर से ऊर्जावान बनाती है, इतनी ऊर्जावान बनाती है कि आगे के लिए चलना एक अलग से ही आत्मविश्वास तैयार कर देता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी एनर्जी को बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे, किसी की बुरी बातों को दिल पर बैठा लेंगे, तो क्या होगा? नुकसान आपको ही है, दुख आपको ही मिलेगा, कष्ट आपको ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ कि इस एनर्जी को कैसे हम अच्छे तरीके से नफरत को प्यार में बदल सकते हैं। देखिए इसके लिए ना एक प्रार्थना होती है, ठीक है। प्रार्थना के लिए क्या करना है कि मैं नफरत में नहीं हूं। हमेशा हाथ जोड़िए, ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए और मैं जैसा कह रही हूं वैसा सोचने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो भगवान से अपने कनेक्शन को बनाने के लिए हाथों को जोड़कर 10 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये आपका जो दिमाग है, जब 10 बार आपने लंबी सांसें ली और लंबी सांसें छोड़ी, ये 10 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है वो तनाव मुक्त हो गया है, वो अब शांत है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एफर्मेशन आपको कहना भी है मन ही मन, मंत्रों की तरह, जैसे कि मैं अभी शांत हो गया हूँ, मेरे मन में कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं, मेरी चिंताओं में कोई बात नहीं, मैं शिथिल हो गया हूँ। ये तो सबसे पहले चीज़ आप सोचेंगे और उसके बाद भगवान से आप ये प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना है कि मैं नफरत के नहीं प्रेम के पक्ष में हूँ, मैं बंधन के नहीं पूरी आज़ादी के पक्ष में हूँ, मुझे 100% क्षमा करने की शक्ति दे। मैं आपको ये इसलिए 100% कह रही हूँ कि ये आजकल के ज़माने में 100 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 100 रुपये का क्षमा का बहुत वैल्यू है। तो आप समझ जाओ, आप अगर थोड़ा सा भी क्षमा करते हो ना तो ये क्षमा आपको एक शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो ये शक्ति, छोटी छोटी चीज़ों से ये शक्ति आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये शक्ति आपको मिले, ठीक है। फिर जब भी मन में नफरत के विचार अगर आते हैं उसके बाद भी कि आपको याद आ जाता है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, अगर उस वक्त ये प्रार्थना करते करते आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें काफ़ी तकलीफ देने वाली होती है, काफ़ी दुख देने वाली होती है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एक भयंकर अपराधी, आतंकवादी, जो लोग होते हैं, जो लोग बम विस्फोटक होते हैं, जो लोग रेपिस्ट होते हैं, जो लोग खून जैसे गंभीर अपराध करते हैं, उन्हें कैसे माफ करें? और ये बड़ा सही सवाल है, ये आप लोग में से पूछ भी सकते हैं मुझे, या फिर कह सकते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब क्षमा प्रार्थना की याचना करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात भी आना स्वाभाविक है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में जरूर आती है, आती है ना। तो इसका जवाब है कि उन्हें माफ करने के लिए तो किसी का भी दिल नहीं करेगा, किसी का भी दिल नहीं करेगा, है ना। तो उन लोगों को माफ नहीं करना है, बिल्कुल माफ नहीं करना है, बल्कि साफ करना है। क्या साफ करना है? उनके दिमाग से उनके घिनौने अपराध को साफ करना है। कैसे? अंदर से। और वो कैसे करेंगे? वो अपनी प्रार्थना से करेंगे। देखिए ये बहुत पावरफुल चीज है, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको अगर मानकर चलेंगे ना तो जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये पावरफुल टूल्स अगर आप लोग सीख जाते हैं ना तो अपने प्रॉब्लम्स यूं ही आप लोग बहुत हद तक सॉल्व कर लेते हैं। ये पावरफुल चीज़ें हैं जो हम लोग बार 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 अपने शरीर से कहते हैं, दिमाग से कहते हैं, चिंताओं से कहते हैं। ये क्या होती है? ये मंत्रों की तरह वाइब्रेट करती है, ऐसी वाइब्रेशन होती है जो हमारे अंदर चलते रहती हैं। और एक दिन का असर अगर आप मानेंगे तो ये पूरे दिन तक रहता है, एक पॉजिटिव वर्ड। तो आप अगर रेगुलर इसकी चैंटिंग करेंगे पॉजिटिव वर्ड्स की, तो इसकी वाइब्रेशन कब तक रह सकती है आपके अंदर, कितने दिनों तक रह सकती है? और अगर हमेशा इसे एक पार्ट बनाने अपने लाइफ का, तो आप समझ जाओ
कि ये पूरी जिंदगी के लिए आपके शरीर को सिर्फ वाइब्रेशन देते रहेगा ये पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रार्थना के जरिए आप उन बुरे लोगों के मतलब अंतर मन को उसकी पाप वृत्ति से साफ कैसे कीजिएगा। मान लीजिए, चलिए वो तो बहुत दूर की बात होती है, उन लोगों के लिए भी हम कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ तो अगल बगल में ही होते हैं, आसपास में ही होते हैं। तो अब हम बुरे लोगों के लिए हम प्रार्थना कैसे करें, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप 10 बार सांसों को ले और छोड़े, सांसों को ले और छोड़े। और अगर सांसों को लेने और छोड़ने के बीच में अगर सांसों को होल्ड करते हैं तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा होता है हमारे दिमाग को शांत करने के लिए, और हम जो कह रहे हैं ईश्वर से जो कहना चाहेंगे वो और ज़्यादा खुले दिल से कहेंगे। ठीक है, तो दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम 10 बार सांसों का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, व्यायाम करेंगे, और उसके बाद हम अपनी प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले हाथों को जोड़ेंगे और मैं सिर्फ एक बार करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को 10 बार करना है। ठीक है, आंखों को बंद करेंगे और फिर करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे 10 बार करेंगे, और उसके बाद हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, उन बुरे लोगों के अंदर में आप एक साफ आत्मा को विकसित करें, एक साफ चिंताओं को विकसित करें, ताकि वो बुरे कार्य ना कर पाए, उनके मन में दया दे, उनके मन में प्यार दे, उनके अंदर की पाप वृत्ति को साफ करें। ठीक है, फिर कहेंगे कि उन्हें भी ज्ञान मिले, उनकी समझ बढ़े, चेतना बढ़े, जो कृपा हम पर हुई है वो कृपा उन पर भी हो, कृपा इन्हें अपना पात्र आप जरूर बना ले, कृपा करें कि आप उनको सद्बुद्धि प्रदान जरूर कर सके। ठीक है, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा बुरा इंसान ज़रूर होगा जो आपके दिल को चोट पहुंचाया होगा, या वहां पर मैं बुरा इंसान इसलिए कह रही हूं, जिसने आपको तकलीफ दी होगी तो वो उसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और उसकी मतलब उसे दिल से क्षमा तो नहीं कर पा रहे हो, और उसके लिए वो क्या हो रहा है कि आप कुछ अच्छा भी नहीं सोच पा रहे हो। तो इंसान का शरीर तो मशीन है ना, असली अपराधी तो उस मशीन को मतलब क्या बोलूं, उस मशीन को चलाने वाला आपराधिक सोच है। तो इसलिए जो सत्य ज्ञान के माध्यम में चलते हैं ना, और जो सत्य चीजें सोचते हैं, यकीन मानिए आपकी प्रार्थनाएं उन सारी चीजों को बदल सकती है, शुभ विचार सामने वाले की सोच को ला सकती है अगर वो इंसान बुरा सोचता है। तो इस तरह की प्रार्थनाएं अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना ही आना है, और साथ में आप सामने वाले इंसान को भी आप बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं, सिर्फ अपने प्रेयर्स से, सिर्फ अपनी एनर्जी से, जो एनर्जी आप उस बुरे इंसान तक पहुंचाएंगे। ऐसा अगर हम सब मिलकर करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, इस दुनिया में जितने भी आपराधिक लोग हैं ना, उन लोगों को हम कम कर सकते हैं, उनकी चेतनाओं को जगा सकते हैं, अगर सारे मिलकर हम लोग करें तो। तो देखिए ये क्या होता है ना कि हम सिर्फ बता सकते हैं, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, करना तो सबको है। जब भी आप मेडिटेशन कीजिए तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए गलत है, उन सारी चीज़ों को भगवान के सामने पड़ोस दीजिए और कहिए ऐसे ऐसे इन सारी चीज़ों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, देखेंगे आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माफ करने में भी ना एक मज़ा है, वो ना सामने वाले इंसान को ना मतलब आपके सामने लाकर सर झुकाने पर मजबूर कर देता है, वो उसे ये रियलाइज करा देता है कि मैं गलत हूँ और मुझे जो माफ़ कर रहा है वो सही है, और मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि जो मुझे इतनी सारी गलतियों के बाद भी आज मुझे माफ़ कर रहा है। देखेंगे धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।